ये बटर है और ये इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के मैदा डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसको मिक्स करना है। मैदा के अंदर से एक भुनने वाली खुशबू आ जाएगी तो हम इसको फिर दूध ऐड करेंगे। ये इस तरह से मैं इसके अंदर पूरा ये दूध डालूंगी और इसको हमने मुस्तकिल चलाना है। इसके सारे लम्स खत्म करने हैं और इस तरह से इसको स्मूथ सा करके फिर इस पे चूल्हा पे रखना है। तो इस तरह से ये सॉस जो है हमने थिक करना है और थिक क्या करना है, इससे पहले इसके सारे जो ये लम्स हैं इनको ख़त्म करना है, यानी इसके अंदर ये जो छोटे छोटे मैदा के पीसेज हैं इनको स्मूथ करना है। ये इस तरह से रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं पिंच के करीब जो है या 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा इसमें नमक डालूंगी और फिर इसके अंदर चीज़ डालूंगी। तकरीबन ये 1 ग्लास के करीब भर के जो है वो है क्या कहते हैं दूध, 2 टेबल स्पून मैदा और वैसे इसमें वाइट पेपर पड़ती है लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी काले मिर्च ही डाल रही हूँ। और इसको जो है ये हमने एक मिक्सर बना लिया है। 1 ग्लास भर के दूध है, 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून बटर। इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और जब आप वाइट पास्ता बनाते हैं तो इसके अंदर हम क्रीम ऐड करते हैं और साथ में चीज़। वाइट सॉस जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और इसमें जो है मैंने थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा, और ज़रा सा चिकन पाउडर ऐड किया था। इस तरह से ये मैंने इसमें हल्का सा थोड़ा सा और काली मिर्च डाली है। ये मैं इसमें 1/2 पैकेट के करीब क्रीम का ऐड कर रही हूँ। ये सिंपल सा पास्ता है जो आप चीज़ वाइट सॉस या चीज़ के साथ जो जिस तरह से होता है, और इसका एक तरीका का ये है कि जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए बेक भी कर लें ऊपर वाला ओवन का फ्लेम जला के। इसमें से जो है अब अच्छी सी क्रीम की खुशबू आने लगी है। इसके अंदर मैं थोड़ा ओरिगैनो डालूँगी। तकरीबन 1/2 टीस्पून, और आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जो है ये चीज़ डालूँगी। चीज़ जो है ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब चीज़ जो है मैंने लिया है
हाफ कप मतलब फुल भर के, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ दिया है और इसके अंदर चेडर चीज़ भी ऐड किया हुआ है थोड़ा वाइट सॉस में, वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना तो इस तरह से भी। अब ये जो है इस तरह से इसको हल्का सा कुक करना है, इसमें मैं थोड़ी सी क्रश चिली जो होती है रेड वाली उसके फ्लेक्स डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये भी ऑप्शनल है कि आप इसे यूज़ करना चाहें और या फिर इसे रहन दीजिए, सिंपल ये इसी तरह बनेगा बस। बस ये रेडी हो गया है और इसके अंदर बस मैं ऐड करूँगी ये मैक्रोनी है जो मैंने जो है बॉईल कर ली थी, और मैक्रोनी उबालने का तरीका जो है वो सिंपल ही सा है बहुत, और बस आप पानी बॉईल करें उसके अंदर 10 मिनट आप इसको उबालें, ये रेडी हो जाती है। ये जो है इसमें देखें लम्स आ रहे हैं चीज़ के, और बस हमने इसको बहुत कुक नहीं करना क्योंकि पहले ही वो ऑलरेडी पास्ता भी गर्म है। और ये देखें इस तरह से अगर आप इसको ऊपर से क्रिस्पी और ब्राउन सा इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसको ओवन में किसी भी डिश आउट करके इसमें 5 से 7 मिनट के लिए बेक कर लें, लेकिन उसका ये ख्याल रखना है कि जो है ना बहुत जो है ज़्यादा उसमें ना रखें क्योंकि ये सारा सोख कर लेता है पास्ता। बस ये इस तरह से तैयार हो गया है, और चीज़ इसमें ये है कि अब आप इसमें पार्मेजान चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो जो चीज़ आपको इसमें पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लें। ये तैयार है।